मॉर्निंग गाइस, हमारे एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का जो व्लॉग रहेगा वो नवरात्रि स्पेशल रहेगा, क्योंकि अष्टमी आ रही है, नौवीं आ रही है पास, तो लोगों को शॉपिंग भी करनी है कंजकों को सामान देने के लिए। अगर आपको नहीं पता है सदर बाजार की पटरी मार्केट किस दिन लगती है, तो मैं आपको बता दूं, संडे वाले दिन लगती है, 7:30 पे लगना शुरू हो जाती है। बाय मेट्रो आप यहां तक पहुंच सकते हो। जैसे ही आप मार्केट में एंट्री करोगे ना, आपको की रिंग के ऑप्शन नजर आएंगे। प्राइस की अगर मैं बात करूँ, 75 रुपीज दर्जन के हिसाब से यहाँ पे चीजें मिलती है। अगर आपको सिंगल सिंगल पीस भी लेना है तो रोड साइड पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फुटवेयर्स में भी आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे 100 रुपीज की रेंज में। क्या आपने कभी सोचा है कि 100 रुपए में कहीं पे बैलियां मिल जाएंगी, जिनको आप घर पे बाहर किसी भी तरीके से पहन सकते हो, यूज में ले सकते हो। हाँ जी, सदर बाजार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप बहुत इजिली सस्ते रेट पे खरीद सकते हो, बेच भी सकते हो। अगर आपको अपने घर के लिए वॉल क्लॉक चाहिए तो वॉल क्लॉक में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, सुंदर से लेके सिंपल सोबर तक के दोनों ही टाइप के आपको ऑप्शन नजर आएंगे। जितने भी फैंसी ऑप्शन है वो अबाउट 350 रहता है, किसी का प्राइस 350, किसी का 400 और 650 तक रहता है। ये सब नीचे वाली जो है ये आपको 350-400 रुपीज की रेंज में मिलेगी। अगर आपको अपने लिए इयर रिंग्स चाहिए तो 50 रुपीज सिंगल पीस का प्राइस रहता है, नॉर्मली तो यही देखने को आपको मिलेगा। बट अगर आपको चीज़ें बल्क में चाहिए तो उनका प्राइस अलग रहता है, क्योंकि चीज़ें बल्क के हिसाब से आप ज़्यादा खरीदते हो तो उनका जो रेट होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। अगर सिंगल इयर रिंग खरीदना तो ये ऊपर वाले जो मैंने आपको अभी दिखाए ना, ये 30 रुपीज के थे। और ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको बहुत देखने को मिलेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। लंच बॉक्स की बात करूँ तो 100 रुपीज में लंच बॉक्स मिल जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी चेक करना, इतने सस्ते लंच बॉक्स नहीं मिलेंगे। सामने वाली बॉटल का सेट था वो 400 रुपीज का था। कलर ऑप्शन इसमें 4-5 मिल जाएंगे 200 रुपीज की रेंज में। आपको थर्मामीटर वाली जो बॉटल होती है जिसमें ऊपर की तरफ सेंसर होता है वो आपको मिल जाएगा 140 रुपीज में। जो हैंड ग्राइंडर होता है उसका भी ऑप्शन था 100 रुपीज में, प्लास्टिक बॉटल आपको मिल जाएगी। चूड़ियों के शौकीन हो, शॉप के लिए चूड़ियां खरीदनी है, तो ये सामने वाला जो पूरी की पूरी जेल आपको नजर आ रही है ना, इसमें अराउंड अराउंड 5 दर्जन चूड़ियां रहेंगी, 30 रुपीज इसका प्राइस रहेगा। सिंगल कलर में या डबल कलर में आपको जो भी ऑप्शन लेने आप ले सकते हो, 30 रुपीज में ही आपको ये मेटल वाली चूड़ियां मिलेंगी। ये भी बहुत अच्छी थी, इसमें कलर ऑप्शन भी काफी सही थे। आपको अगर अपने लिए भी सिंगल पीस खरीदना वो भी आप खरीद सकते हो। बाकी बल्क में तो यहाँ पे चीजें मिलती ही है, नो डाउट हर किसी को पता है कि सदर बाजार अपने बल्क आइटम के लिए बहुत फेमस है। फ्रूट बास्केट चाहिए है ना, तो ये बहुत सुंदर लगी मुझे। फ्रूट बास्केट भी आप बोल सकते हो, इसमें प्याज आलू वगैरह भी डाल सकते हो। सामने वाली स्टील में थी, 180 की थी, 200 रुपीज की रेंज में आपको ये प्लास्टिक वाले जो लंच बॉक्स थे ये मिल जाएंगे। इनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी। स्पून आपको 80 रुपीज में मिलेंगे, काफी बढ़िया स्पून थे। वैसे तो 60 वाली भी होती है बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी इसलिए 60 रुपीज की रेंज में थी। सारी ही चीजें बहुत अच्छी थी, बच्चों की वाटर बॉटल से लेके बच्चों की मिल्क बॉटल तक काफी सारी चीजें थी। ये वाली बॉटल मुझे थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगी, कुछ अलग थी। इसका जो प्राइस था ना वो 200 रुपीज था, दिखने में भी बहुत अच्छी थी। छोटे छोटे कप भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 20-20 रुपीज में। तो हर चीज यहाँ पे ना बहुत अच्छी और बहुत सस्ती मिलती है, चाहे आपको बच्चों के लिए शॉपिंग करनी हो, खुद के लिए करनी हो, घर के लिए करनी हो, हर एक चीज रहती है। बहुत सारे लोगों के ना मुझे कमेंट भी आते हैं कि क्या सदर बाजार से चीजें खरीदना, उनकी क्वालिटी, उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि उनके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि यार क्वालिटी चीप तो नहीं है। बट ऐसा नहीं है, चीजें बल्क के हिसाब से होती तो काफी अच्छी होती है। देखिए, आपको स्लाइसर भी मिल जाएगा और आपको ना ग्राइंडर में भी काफी अच्छा ऑप्शन 200 रुपीज की रेंज में देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपने लिए एंकलेट चाहिए तो वो भी यहाँ पे 20 रुपीज में थी और काफी सही थी। डिजाइन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, 30 और 50 का भी इनके पास ऑप्शन था पायल में। और ये जो डायमंड सेट आपको नजर आ रहा है ये 60 रुपीज का था। इसमें आपको गोल्ड, रोज गोल्ड और सिल्वर कलर मिलेगा। सामने जो बॉक्सेस में ज्वेलरी रखी है ना, जिसमें आपको चोकर्स नजर आ रहे हैं मल्टीपल कलर में, वो 200 रुपीज में थे। और इसमें ना एक डिजाइन थोड़ा सा ब्रॉड होता है, वो 250 रुपीज में होता है, वो भी काफी अच्छे होते हैं, काफी बढ़िया होते हैं। और अगर आपको अपने लिए कुछ और ज्यादा अट्रैक्टिव खरीदना है तो आप मेन सदर बाजार की जो अंदर वाली गली है वहां से ले सकती हो। मीनवाइल आपको रोड साइड पे तो इसी तरीके के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। डेकोरेशन आइटम यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं और बहुत मतलब चीप होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अब देखिए, ये ग्लिटर्स वगैरह है, पार्टी में जो जो चीजें
होनी चाहिए होती सारी यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे वाले जो बलून्स लगाते हैं ना वो 70 रुपीज में थे, कलर ऑप्शन भी थे इसमें, साइज का भी प्रोविजन इन्होंने दिया हुआ था, और ये हैप्पी बर्थडे वाला था ये भी काफी अच्छा था, और इसका भी प्राइस जो था वो 100 रुपीज की रेंज में था। सिंगल सिंगल स्टिकर चाहिए 30 रुपीज 40 रुपीज में ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपके घर में भी कोई किसी की एनिवर्सरी आ रही है, किसी का बर्थडे आ रहा है, तो आप यहाँ से काफी अच्छी स्मार्ट शॉपिंग कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो और अपने बजट में चीजें देख देख के भी ले सकते हो। बलून यहाँ पे 60 रुपीज का पैकेट मिलता है, काफी अच्छे बलून रहते हैं, मेटेलिक शेड में अगर आपको बलून चाहिए उसमें भी ऑप्शन होते हैं, साथ ही में सिंगल कलर में और मल्टीपल कलर में दोनों ही ऑप्शन रहते हैं। अराउंड अराउंड 100 पीस आते एक पैकेट में। ये लंबे वाले बलून थे, ये 100 रुपीज का था और काफी अच्छे बलून थे इसमें। तो ओवरऑल आपको बलून में काफी सही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपने लिए हेडफोन चाहिए है या फिर आपको ब्लूटूथ चाहिए तो वो सब आपको यहाँ पे 200-300 रुपीज की रेंज में नजर आएंगे। स्पीकर 350 रुपए की रेंज में थे। जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप लेते हो किसी भी सस्ती मार्केट से, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा उसको चलवा के देखो, अच्छे से चेक करो और तभी लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजों का ऐसा ही होता है, आप उनको चेंज भी नहीं करा सकते हो, क्योंकि यही ध्यान नहीं रहेगा आपने कहाँ से लिया था, भीड़ इतनी होती है। लीड वगैरह आपको 50 रुपीज की रेंज में मिल जाएगी, तो लीड भी प्लीज जरूर चेक करके लेना। ये वाली जो पैकेट्स के अंदर है ये वाली 80 रुपीज में थी। तो ऑप्शंस हर तरीके के रहते हैं, हर बजट के रहते हैं। बर्ड्स वगैरह चाहिए वो भी आपको इधर देखने को मिल जाएंगे। लटकन में ढेर सारे ऑप्शंस थे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हैवी से हैवी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा। प्राइस वगैरह ना साइज के ऊपर डिपेंड रहता है। सबसे छोटे वाले जो रहते हैं वो 120 रुपए के एक दर्जन मिल जाते हैं, फिर ऊपर साइज बढ़ता ही जाता है, जैसे ये वाला 180 रुपीज का था। बच्चों के लिए टॉयज खरीदने हैं तो इतने सुंदर ऑप्शन होते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि सदर बाजार में एक प्रॉपर टॉय मार्केट है जहाँ पे 60-60 रुपीज में ऊपर वाले सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये वाला जो ट्रेन सेट था ये 200 रुपीज का था, कार सेट 100 रुपीज में थी। ये वाला भी आपको कार का जो सेट मिलेगा वो 100 रुपीज में मिलेगा। नॉर्मली जितने भी टॉय होते हैं ना 200-300 रुपए में आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। होम डेकोरेशन आइटम्स की बात करूँ तो उसकी भी कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी, काफी अच्छे ऑप्शन होते हैं, और ये सब 100-100 रुपए के 6 पीस थे। गोल्डन वाले आपको 100 रुपए के 4 पीस मिलेंगे, उससे पीछे वाले जो बड़े सेट है वो 150 के 2 थे। तो साइज के ऊपर उनका प्राइस डिपेंड करता है। काफी अच्छे कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटो सेट चाहिए, भगवान के फोटो लेने हैं, वो आपको 150 रुपीज की 2 सीनरियां यहाँ पे देखने को मिलेंगी। हर तरीके की सीनरी रहती है, एनिमल प्रिंट में आपको कुछ चाहिए, भगवान का कुछ चाहिए, हर तरीके के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लाफिंग बुद्धा आपको 100 रुपीज में मिल जाएगा। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे भी होते हैं, काफी सस्ते भी होते हैं, आप वो वाले ऑप्शन भी ट्राई कर सकती हो। और लाफिंग बुद्धा ये छोटे वाले थे, ये 50-50 रुपीज के थे। टेडी बियर ये वाला 70 रुपीज का था, पीछे वाला 50 रुपीज का था। तो 100 रुपए की रेंज में आपको ना टेडी बियर में या सॉफ्ट टॉयज में ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पूरी एक बड़ी गली है जिसमें पूरा का पूरा टॉय मार्केट रहती है, सारे के सारे खिलौने मिलते हैं, बट वो बल्क के लिए रहते हैं। अगर आपको सिंगल सिंगल पीस लेने हैं तो जो अवंती बाई चौक से सदर बाजार की तरफ मेन रोड जा रहा है वहां से ले सकते हो। बैग वगैरह आपके जो बैग पैक्स होते हैं ना वो 200 रुपीज से थे, स्टार्टिंग वाले 200 रुपीज का था। उसके बाद इनके पास कुछ कुछ ऑप्शन 250 वाले भी थे, नीचे वाले भी 200-200 रुपए की रेंज में थे। तो अगर मैं आपको बैग का आइडिया दूं तो जो बैकपैक होते 200-250 रुपए में, डफल बैग 350 रुपीज की रेंज में थे। देखिए इस तरीके के डफल बैग रहने वाले हैं। छोटे बच्चों के जो बैग रहते वो 100 रुपीज की रेंज में रहते। इसमें भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कंपार्टमेंट्स में। 30-30 रुपीज में आपको पूजा का सेट चाहिए है, छलनी चाहिए है, नींबू निचोड़ने वाला चाहिए, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आपको पापड़ सेकने के लिए भी चाहिए ना तो वो भी आपको मिल जाएगा, कद्दू का। इन सबका जो प्राइस था ना वो 30 रुपीज ईच था। कोई भी आप आइटम पिक करो आपको 30 रुपीज पे करना है। तो जो आपके होम यूटेंसिल्स होते हैं, कटलरी ऑप्शंस होते हैं, वो भी यहाँ पे काफी अच्छे मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं सदर बाजार की मैं बात करूँ ना तो हर एक चीज आपको यहाँ पे काफी अच्छी देखने को मिलेगी, काफी सस्ते प्राइस पे देखने को मिलेगी। कुछ भी आप लो ना बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। अब देखो 30 रुपीज में क्या आता है, और आपको यहाँ पे चीजें 30-30 रुपए में मिल रही है, वो भी पूरा सेट का सेट। आप अपने हिसाब से यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। सदर बाजार में अंदर की तरफ जाओगे तो डिप्टीगंज मार्केट पड़ती है, जो कि फेमस ही
अपने बर्तनों के लिए वहाँ पे चीजें आपको थोक के भाव में मिलेंगी, तोल के भाव में मिलेंगी। कंजक बिठानी है, बर्तन चाहिए, प्लेट चाहिए। प्लेट का जो सेट था वो एक दर्जन प्लेट थी इस पे, और 90 रुपए इनका प्राइस होने वाला है। कलर ऑप्शन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। पैटर्न आप देख सकते हो, कोई स्क्वायर में है, कोई ओवल शेप में, कोई राउंड शेप में। बॉटल वगैरह भी यहाँ पे काफी अच्छी मिलती है, 100-100 रुपए में आपको पूरा सेट मिल जाता है, और 20-20 रुपीज में आपको खाली कंटेनर्स भी मिल जाते हैं। बच्चों के कपड़े, टॉप वगैरह यहाँ पे 200-250 रुपीज की रेंज में रहते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो एक्सपेंसिव होती है, जिनका प्राइस हायर साइड पे होता है। हर एक चीज बहुत अफोर्डेबल होती है। टॉप वगैरह 200-200 रुपए में इजिली मिल जाते हैं। ये वाले जो टॉप थे इनका प्राइस 150 रुपीज था। यहाँ पे आपको कुर्ती वगैरह देखने को मिल जाएगी, ड्रेसेस वगैरह देखने को मिलेगी। बट फिर भी अगर आपको एथेनिक वेयर खरीदना है तो सदर बाजार में ही ग्रीन मार्केट लगती है, आप वहां से भी ले सकते हो। बच्चों के लिए स्लाइडर्स खरीदने, वो भी 50 रुपीज की रेंज में। अभी समर भी आ गए, आगे मानसून भी आएगा, तो बारिश के मौसम में, गर्मियों में स्लाइडर्स वगैरह काफी ज्यादा अच्छे यूज में आते हैं और चलते भी, तो 50 रुपीज में आपको स्लाइडर मिल जाते हैं। जो ये वाली चप्पलें अभी मैं उठा के दिखा रही हूँ, 100 रुपीज की रेंज में थी। दो सेगमेंट थे इनके पास, 50 और 100 रुपीज वाले। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको स्लाइडर चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, चप्पलें चाहिए तो वो भी ले सकते हो। चटाई वगैरह काफी अच्छी मिलती है, 150 रुपीज की रेंज में चटाई मिल जाती है, और ये पूरा का पूरा सेट होता है, क्वालिटी भी काफी सही थी। ग्रीन मैट अगर आपको चाहिए, बहुत सारे लोगों ने क्या किया ना, बालकनी में ग्रीन मैट लगा दिए, जो पूरा का पूरा फ्रेश जो ग्रास वाला लुक होता है ना वो देते हैं, और इजी टू यूज होते हैं, इजी टू वॉश होते हैं, तो 100-100 रुपीज में आपको वो भी मिल जाते हैं। ब्लैक वाले जो मैट थे वो 200 रुपीज की रेंज में थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, थोड़ी थिक क्वालिटी थी, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी थी। तो यहाँ पे चीजें ना हर एक तरीके की मिलती है, सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी। मतलब महंगी का भी मतलब वो नहीं होता कि बहुत ही ज्यादा महंगी, एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज यहाँ पे रहती है। 350 रुपीज की रेंज में सूट देखने को मिलेंगे। बट अगर मैं बात करूँ, अगर आपको सूट वगैरह लेने हैं तो आप सदर बाजार से मत लो, या तो सदर बाजार में जो ग्रीन मार्केट लगती है, प्रॉपर फैब्रिक मार्केट है, आप वहां से लो। अदरवाइज आप जा सकते हो सीलमपुर या इंद्रलोक। इंद्रलोक मार्केट तो बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने सस्ते कपड़े के लिए, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप थर्सडे को इंद्रलोक मार्केट भी जाओ। अगर आप लोगों को नहीं पता इंद्रलोक मार्केट कहाँ है, कैसी लगती है, कैसा स्टफ होता है, फैब्रिक होता है, तो मेरी आप प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकती हो। मेरे दूसरे चैनल पे भी वीडियोस आती है, उसका नाम मेरा पीहर है, उस चैनल को भी आप एक बार चेक करना, वहाँ पे भी आपको काफी अच्छी मार्केट की वीडियोस देखने को मिलेंगी। बाकी सूट 350 रुपीज की रेंज में थे। आई होप आपने देखा होगा किस तरीके के सूट थे, कैसे डिजाइन रहे थे। अगर आपको 350 में बहुत ही अच्छे डिजाइन चाहिए तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप मेरी ना जो मेरा पीहर चैनल पे इंद्रलोक की वीडियोस है, आप उनको एक बार चेकआउट करो। आप इंद्रलोक मार्केट के फैन हो जाओगे, इतना सुंदर फैब्रिक मिलता है वहां पे, और इतना सस्ता कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 100 रुपीज की रेंज में क्लचेस मिल जाते हैं, और 2-3 क्लचेस ले लोगे तो 75 रुपीज में आपको पड़ जाएंगे। कुछ कुछ लोग देते हैं 85 रुपीज में, बट जो स्टैंडर्ड प्राइस होता है ना मार्केट में, जो आपको देखने को मिलेगा, वो 100 रुपीज का देखने को मिलेगा। कलर ऑप्शन इसमें बहुत सारे होते हैं, तो आप अपने हिसाब से कलर में चीजें ले सकते हो, क्लचेस ले सकते हो, पॉकेट चेक कर सकते हो। मिनी पाउचेस आपको 50 रुपीज में मिलेंगे, ये भी बहुत काम की चीज है। कॉइन वगैरह आप इसमें रख सकते हो, 200 रुपीज की रेंज में। शूज थे, शूज की जो क्वालिटी थी वो ओके थी। मतलब 200 रुपए की रेंज में और क्या मिल सकता है, आप खुद सोचो। तो 200 रुपए से अगर मैं कंपेयर करूंगी ना, बहुत ही वर्थ थी, क्वालिटी थी बहुत ही अच्छी थी। रनिंग के लिए जाना है, नॉर्मल अगर आपको कहीं वैसे पहनने, तो आप इनको आराम से यूज में ले सकते हो। पहनने के बाद ना चीजें काफी सही और अच्छी भी लगती है, तो आप एक बार ये वाले शूज भी ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का हायर साइड पे बजट नहीं होता है, बट चीजें तो सबको चाहिए होती है, इसीलिए हम एक्सप्लोर करते हैं वो मार्केट जो काफी बजट फ्रेंडली और काफी सस्ती हो। वॉचेस का शौक हर किसी को होता है, चाहे कोई भी हो, लड़के हो, लड़कियां हो, बच्चे हो, हर किसी को वॉच पसंद होती है। और सोचो, सुंदर वॉच, एक्सपेंसिव लुक वाली वॉच अगर आपको 200-250 रुपए में मिल जाए तो क्या ही बात है। सदर बाजार में वॉचेस के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। स्टार्टिंग प्राइस रेंज 100 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये वाली वॉच थी 250 की थी, कुछ कुछ वॉच 350 रुपीज की थी। यहाँ पे भी आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके फिक्स प्राइस नहीं होते हैं, ये अपने हिसाब से चीजें बेचते हैं, तो आपको भी अपने हिसाब से चीजों पे बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। जो भी चीज आपको पसंद आती है आप वो पसंद करिए, वो कैसी चल रही है, उसकी क्वालिटी कैसी है, पॉलिश तो नहीं उतरी हुई, सारी चीजें चेक करने के बाद मोल भाव करिए। देखिए, लड़कियों के लिए भी काफी सारे ऑप्शन थे, चेन में चाहिए, स्ट्रैप्स में चाहिए, डिजिटल ऑप्शंस चाहिए, नॉर्मल जो आपकी रोज गोल्ड में ऑप्शंस आ रहे हैं आजकल, स्टैप्स में आ रहे हैं, हर तरीके के ऑप्शन 200-250 रुपए में आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। दुपट्टे भी काफी अच्छे रहते हैं, 200 रुपीज की रेंज में आपको दुपट्टे मिल जाएंगे, ऐसे सितारों वाले। नॉर्मल जो दुपट्टे थे वो 100 रुपीज की रेंज
में थे, और कुछ कुछ बिल्कुल प्लेन वाले जो दुपट्टे होते हैं वो 75 रुपीज का रहता है। तो यहाँ पे दुपट्टों में भी काफी सही ऑप्शन होते हैं। बट जब बात आती है कि दुपट्टों की क्वालिटी कैसी होती है, वो ना तो ज्यादा बहुत अच्छी होती है, ना ही बहुत ज्यादा ऐसी कह सकते हो कि यार नहीं बेकार है, मतलब ओके ओके टाइप होती है। जैसा दाम दोगे वैसी ही आपको चीज मिलेगी। तो यही चीज यहाँ के फैब्रिक के साथ है। बट जो बाकी चीजें हैं, बर्तन हुआ या फिर और आइटम हुए घर में यूज करने वाले, उनकी क्वालिटी अच्छी रहती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें।